नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स में, किस इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक में आपको निवेश करनी चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले समय में निश्चित रूप से काफी बेहतरीन करने वाला है, क्योंकि अभी काफी अंडर परफॉर्म है ये सेक्टर, लेकिन आने वाले समय में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है ये सारे के सारे स्टॉक। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसका जो मार्केट कैप है 88,000 करोड़ का है, करंट प्राइस है 613 रुपीज का है, डिविडेंड की बात है 0.33% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.15% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.63% का, और अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 73.5% का, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.10 का है, और टोटल डेट की बात करें 1200 करोड़ का टोटल डेट है, और नेट प्रॉफिट की बात करें 956 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और वहीं बात करें रिजर्व का 10,000 करोड़ का रिजर्व है। तो समझ सकते हैं इतनी बेहतरीन ये कंपनी है, और इतनी ही शानदार ये कंपनी होने के बावजूद अभी भी इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो आप इस ICICI पोटेंशियल लाइफ के साथ जा सकते हैं। अगर चार्ट की बात करें, देखिए दोस्तों, ये चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। देखिए, हर बार गिरावट होता है, यहाँ पर ये बाय करने का मौका देता है। जैसे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है, तो बॉटम पर आपको इसको बाय करना है, सेल ऑन राइज करना है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, बॉटम पे बाय करना है, सेल ऑन राइज करना है। तो इस तरह के ये कुछ स्टॉक हैं जिसको में आप इन्वेस्ट। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किस में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा पसंद करूँगा। देखिए, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस जो है 1,569 रुपीज़ है, और डिविडेंड की बात करें 0.26 का डिविडेंड परसेंटेज है, प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 51.9% है, कोई भी शेयर इसमें प्लिज नहीं है, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.06 है, और टोटल डेट की बात करें 485 करोड़ का टोटल डेट है, और नेट प्रॉफिट की बात करें 1,473 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और बात करें रिजर्व का 7,144 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी ने कर रखा है 30,000 करोड़ का। इस तरह से सारे के सारे जो इसके पैरामीटर्स है वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और चार्ट देखिए, देखिए खास करके मैं चार्ट देख करके इन्वेस्ट करता हूँ, और साथ साथ प्रॉफिट का ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ क्या है, मतलब हर पैरामीटर भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 2017 में ये मात्र 680 रुपये का स्टॉक था, 680 रुपये से ये स्टॉक जो अभी काफ़ी ऊँचे प्राइस पर जा चुका है। देखिए 1,590 रुपीज़ वहाँ का हाई लगा चुका है। तो इतना बेहतरीन स्टॉक है, तो इस स्टॉक में आपको गिरावट में जब भी मिले इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ICICI लोम्बार्ड काफ़ी बेहतरीन है, ICICI पोटेंशियल से ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड। देखिए, मैं एक ICICI लोम्बार्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा अगर इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक लेने हैं तो। और दूसरे स्टॉक भी बताऊँगा, देखिए SBI लाइफ ये भी काफ़ी बेहतरीन है, 1,01,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस की बात है 1,020 रुपीज़ करेंट प्राइस है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.25% का डिविडेंड यील्ड है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% है, और प्रमोटर्स होल्डिंग 55.7% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। अब डेट टू इक्विटी की बात करें, जीरो है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कोई भी कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें 1,456 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और रिजर्व की बात करें 9,400 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो अब यहाँ पर बात करें चार्ट का, तो चार्ट देखिए काफ़ी सॉलिड है। तो यहाँ पर देखिए 2018 में ये मात्र 577 रुपये में स्टॉक मिल रहा था, और वहाँ से ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया, लगभग जो है 90% का रिटर्न दिया, और वहाँ से फिर से काफ़ी तेज गिरावट हुआ, और यहाँ से गिरावट के बाद फिर से एक शानदार रिटर्न दिया। इस तरह का शानदार रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। उसके बाद अगला है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। तो देखिए, मैं ICICI लोम्बार्ड और HDFC लाइफ इसको ज़्यादा प्रीफर करूँगा, इन दोनों स्टॉक को। और मार्केट कैप की बात करें इसका, तो 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस की बात करें 683 रुपीज़ का करेंट प्राइस है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.30% का डिविडेंड यील्ड है, और बात करें इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% का, प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 58.9% का, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है,
डेट टू इक्विटी की बात करें 0.07 का डेट टू इक्विटी है, मतलब काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर, मात्र 600 करोड़ का डेट है, जबकि नेट प्रॉफिट 1361 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। एनुअल प्रॉफिट देखिए कितना शानदार है। रिजर्व की बात करें 6617 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और बात करें इसके चार्ट का, तो देखिए चार्ट काफ़ी सॉलिड है, चार्ट जो है काफ़ी सॉलिड है। और देखिए यहाँ पर कंपनी जो है काफ़ी गिरावट दिखाया, गिरावट के बाद फिर से इसमें काफ़ी ज़बरदस्त बाउंस बैक आया, फिर से काफ़ी गिरावट और फिर से काफ़ी ज़बरदस्त बाउंस बैक, तो कुछ इस तरह का चार्ट रहा है। ये चार्ट काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बेहतरीन है, तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो आपको HDFC लाइफ में तो ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, अगर इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक में आप प्रीफर करते हैं इन्वेस्ट करना। और साथ ही साथ ICICI Lombard, ये दो स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। मैंने HDFC लाइफ में इन्वेस्ट भी कर दिया है, और अगर आगे इन्वेस्ट करने की इच्छा होगा तो मैं ICICI Lombard में भी इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। तो ये चार इंश्योरेंस स्टॉक में ये दो स्टॉक है जो कि हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन और भी स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं। SBI लाइफ भी काफ़ी बेहतरीन है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। देखिए आने वाले समय में कौन सा स्टॉक सबसे बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देगा, ये अभी कोई नहीं जानता, आने वाला समय बताएगा कौन सबसे बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।